बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। गाइज, इसी के साथ आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि बॉटनी के सभी टॉपिक की शॉर्ट नोट अब आपको बॉटनी लेक्चर में अवेलेबल हैं, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि एल्गी का, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इम्ब्रोलॉजी ये मर्ज कर दिया गया है उसी में। इकोनॉमिक बॉटनी, फंजाई, ये 6 टॉपिक हो गए। उसके बाद दूसरे साइड में आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, लाइकेन, वायरस, सोयल साइंस, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायो स्टैटिस्टिक्स। ये 16 ऐसे टॉपिक हैं बॉटनी के, जिनकी शॉर्ट नोट अब आपके बॉटनी लेक्चर्स में अवेलेबल हैं। दोस्तों, इन सभी नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको संपर्क करना होगा व्हाट्सएप पर। नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर आपको सेंड करना है मैसेज अपने नाम और क्लास के साथ, साथ ही साथ कौन से टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए, वो सभी आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। डिटेल्स आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकस के बारे में, यानी कि जिम्नोस्पर्म का पहला फर्स्ट जिनरा। इसके पहले आपको बता दें कि जिम्नोस्पर्म और टेडोफाइट्स और साथ ही साथ ब्रायोफाइट्स के भी कई ऐसे लेक्चर हैं जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड कर दिए गए, यानी कि यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकंड सेमेस्टर के हैं, थर्ड सेमेस्टर के हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर के हैं, इसके साथ साथ बीएससी के किसी भी सेमेस्टर से आप हैं, तो आप सबकी जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी बना दी गई है। अब सीधा आपको चैनल को सर्च करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और सारे वीडियोज को वॉच करना है। वेरी गुड, तो चलिए डिस्कस करते हैं साइकस के बारे में। इसका सिस्टमैटिक पोजीशन हो जाएगा डिवीजन साइकेडोफाइटा, और इसका क्लास हो जाएगा साइकेडोप्सिडा, आर्डर हो जाएगा साइकेडेल्स, फैमिली हो जाएगी साइकेडेसी, और जीनस हो जाएगा साइकस। इसको आपको नीचे लिख लेना है और अंडरलाइन भी कर लेना है। ध्यान रहे कि किसी भी जिनरा का नाम लिखने से पहले उसका अगर आप जीनस लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं, साथ ही साथ अगर स्पीशीज लिखते हैं तो उसको भी अंडरलाइन करते हैं। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि जीनस का पहला लेटर जो, पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल का होना चाहिए, और स्पीशीज का पहला अक्षर जो होता है वो स्मॉल लेटर से होना चाहिए। दैट्स इट, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करते हैं इसमें। साइकस इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस ऑफ द ऑर्डर साइकेडेल्स। साइकेडेल्स का सबसे मोस्ट वाइडली, यानी सबसे ज़्यादा साइकेडेल्स ऑर्डर का जो इम्पोर्टेंट जीनस है वो है साइकस, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एज सिंपल इज दैट। आगे बात करेंगे इसी में, देयर आर अबाउट 20 स्पीसीज। अब साइकस की लगभग, यानी साइकेडेल्स ऑर्डर के अंतर्गत देखा जाए तो जो साइकस है इसकी लगभग कितनी स्पीसीज हैं, 20 स्पीसीज अवेलेबल हैं, विच अकर्स इन वाइल्ड स्टेट इन चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नेपाल, इस सभी स्टेट्स में, बांग्लादेश, बर्मा एंड इंडिया। ओवरऑल इन दीज कंट्रीज में, यानी टोटल जितनी कंट्रीज अभी आपको हमने बताया, इन सभी कंट्रीज को मिला करके देखा जाए तो इसकी लगभग 20 स्पीसीज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, 4 स्पीसीज ऑफ साइकस, साइकस की 4 स्पीसीज कौन कौन सी हो जाएगी, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस पेक्टिनाटा, साइकस रामफाई, साइकस बेडोमी, अकर्स इन नेचुरल स्टेट इन इंडिया, नेचुरली रूप में अकरेंस पाई जाती है, यानी कि इसको ऑर्नामेंटली नहीं लगाया जाता तो भी ये हो जाती है। तो 4 ऐसी स्पीसीज है जो हमारे देश में, यानी इंडिया में लगभग नेचुरली पाई जाती है, चीफली इन असम, उड़ीसा, मेघालय, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन सभी एरियाज में ये स्पीसीज, चारों स्पीसीज जो एबव जिसमें हमने हाईलाइट किया हुआ है वो चारों स्पीसीज पाई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक करके सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। साइकस रिवोल्यूटा एंड साइकस साइमेंसिस, ये 2 स्पीसीज हैं, आर वाइडली ग्रोन इन गार्डन, ज़्यादातर गार्डन वगैरह में इन दोनों स्पीसीज को लगाया जाता है। पहला हो जाएगा साइकस रेवोल्यूटा और दूसरा साइकस साइमेंसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसी स्पीसीज हैं
जो इंडिया में पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती हैं। तो आइए देखते हैं, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कौन सी स्पीसीज है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वो ध्यान देंगे कि उनके सम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, OMR शीट पे होता है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को यही सब पॉइंट हैं, यही सभी पॉइंट हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है, ओके। और अगर रिटेन में हैं तो ये सब नहीं आएगा, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, तब रिप्रोडक्शन और एनाटॉमी से क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे आपको बताएंगे कि कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, लाइक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ओके। तो पहला हो जाएगा साइकस पेक्टिनाटा। साइकस पेक्टिनाटा इट इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेपाल, सिक्किम, सामेश्वर हिल्स इन बिहार एंड प्लेन्स ऑफ असम, मणिपुर, ईस्ट बंगाल एंड चितांगोंग, इन सभी एरियाज में साइकस पेक्टिनाटा की स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। द प्लांट इज 2 to 3.5 meter इन हाइट, और इस साइकस पेक्टिनाटा की जो हाइट होती है वो 2 से 3.5 meter की हाइट होती है, मतलब लंबाई में देखा जाए तो इतनी होती है, ओके। और स्टेम जो होता है गाइज, वो अनब्रांच्ड होता है। द लीव्स आर 1.5 to 2 meter लॉन्ग, और इसकी लीफ की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 1.5 से 2 meter तक इसकी लंबाई होती है, काफ़ी लंबी लीफ होती है इसकी, ठीक है। विद फ्लैट एंड लीनियर लीफलेट्स, जो लीफलेट्स होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं इसके, ठीक है। आगे बात कर देंगे इसमें, द मेल कोन आर सिलेंड्रिक ओवाइड एंड अबाउट 40 centimeter लॉन्ग। मेल कोन का जो फॉर्मेशन होता है इसमें वो 40 centimeter का लॉन्ग होता है। ईच मेगा स्पोरोफिल हैज 4 to 6 ovule, और मेगा स्पोर जो होती है, मेगा स्पोरोफिल यानी जिसमें मेगा स्पोर ऑकरेंस करेंगे, वो लगभग 4 से 6 ovule रखता है। तो आई होप कि आप सब अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर होते हैं तो कौन कौन से स्टेट्स में हैं वो आपको ध्यान देना है, कितनी हाइट है वो आपको ध्यान देना है, अनब्रांच तो होता ही है, सभी साइकस अनब्रांच होते हैं। उसके बाद लीव्स की जो लंबाई है वो 1.5 से 2 meter होती है। फिर है इसमें मेल कोन जो होता है 40 centimeter का लॉन्ग होता है, और 4 से 6 ovule 1 megasporophyll पर पाए जाते हैं, तो ये काउंटिंग भी आता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीनस है, जो कि गार्डन वगैरह में आसानी से पाया जाता है, लगाया जाता है। इट इज ए नेटिव ऑफ चाइना एंड साउदर्न जापान। चाइना और साउदर्न जापान का ये, इसका मीन्स इसका नेटिव कहाँ है, चाइना और साउदर्न जापान में, एंड इज वाइडली कल्टिवेटेड एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन इंडिया, जिसको ऑर्नामेंटल के रूप में इंडिया में बहुत ज़्यादा तरीके से फेमस है ये, और हर एक गार्डन में लगाया जाता है। इट कैन बी ईजिली प्रोपागेटेड बाई मीन्स ऑफ बल्बिल्स। अगर आपको दिखाएं तो बल्बिल्स जो होता है बहुत ईजिली तरीके से इसको ग्रो कराया जाए, मीन्स इसका कल्टिवेशन की जो प्रोसेस होती है, प्रोपागेशन की प्रोसेस होती है रिवोल्यूटा की, वो बल्बिल्स के द्वारा होती है। अभी हमारे पास हमारे गार्डन में, बॉटनिकल गार्डन कॉलेज में एक साइकस का प्लांट है, काफ़ी पुराना हो चुका है, उसके 2 बल्बिल्स निकले हुए हैं। तो अब उसका कल्टीवेशन मीन्स इसका प्रोपागेशन बल्बिल्स के द्वारा किया जाता है। द प्लांट इज 1.5 to 2 meter इन हाइट। प्लांट की जो हाइट होती है साइकस रिवोल्यूटा की, वो लगभग 1.5 से 2 meter की हाइट इसकी होती है, ओके। द मेल कोन आर सिलेंड्रिकल। मेल कोन जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, आर और ओवाइड एब्लॉन्ग। द टोमेंटोस मेगा स्पोरोफिल्स बियर्स 2 to 4 ovules। रिवोल्यूटा में, साइकस रिवोल्यूटा की स्पीसीज में 2 से 4 ovules पाए जाते हैं 1 megasporophyll में, मीन्स कितने होंगे ओब्यूल, 2 से 4 तक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज हो जाएगी साइकस बेडोमी। इट अकर्स इन वाइल्ड स्टेट इन चूड़ापार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मोस्टली ये आंध्र प्रदेश की एरियाज में ग्रो करती है। इट हैज़ ए ड्वार्फ ट्रंक ओनली अप टू 40 centimeter हाई। लगभग इसका जो
ड्वार्फ ट्रंक होता है वो लगभग कितना होता है, 40 सेंटीमीटर हाइट को होता है, ठीक है। एंड स्ट्रांगली रिवोल्यूट लीफलेट, द रैकिस इज विदाउट स्पाइंस, रैकिस जो होता है विदाउट स्पाइंस का होता है। आगे बढ़ते हैं, साइकस सर्सिनेलिस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉमन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट एंड उड़ीसा हिल्स, इन सभी एरियाज में पाया जाता है। लगभग 1.5 से 3 मीटर की हाइट होती है प्लांट की, और लगभग द लीफ हैज मोर देन 160 pairs ऑफ फ्लैट एंड एक्यूमिनेट लीफलेट्स। लीफलेट की जो मात्रा होती है पेयर्स में लगभग 160 pairs होती है, एक लीफ में लीफलेट्स की मात्रा 160 pairs होती है। ओके, मेल कोन आर सिलेंड्रिक ओवाइड एंड टोमेंटोस मेगास्पोरोफिल्स बियर अप टू 12 ओव्यूल। सबसे ज़्यादा ओव्यूल की मात्रा कौन से लीफ में, कौन से साइकस के स्पीसीज में पाई जाती है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि एक मेगास्पोरोफिल में लगभग 12 ओव्यूल्स पाए जाते हैं सर्सिनेलिस में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 100% में से 101% मान लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, साइकस रम्फाई दिस स्पीसीज अकर्स इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। द प्लांट इज 1.5 to 4 meter हाइट, हाइट होती है 1.5 से 4 meter तक की होती है, ठीक है, विद 1 to 2 meter लॉन्ग लीव्स। लीव की जो लंबाई होती है 1 से 2 meter की होती है, ईच विद 50 to 100 pairs। इसके पहले वाले में 160 pairs थे और इसमें लगभग 50 से 100 pairs लीफलेट पाए जाते हैं एक लीफ में। जो मेल कोन होता है आर इलिप्सोइडल एंड स्टॉक्ड एंड द मेगास्पोरोफिल इज बियर्स इज लीनियर वेट एंड 6 to 10 ovules। अब इसके पहले वाले में 12 ovules थे एक मेगास्पोरोफिल में, अब यहाँ पर कितने होंगे, 6 से 10 ovules होंगे। छठवीं स्पीसीज है यहाँ पर साइकस साइमेंसिस। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बर्मा, चाइना, थाईलैंड एंड यूनान। इन इंडिया इट इज ग्रोन एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, इंडिया में ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसको खेती की जाती है, इसका ग्रो कराया जाता है, सिंपल सी बात अगर कहें तो, ठीक है। द प्लांट इज अबाउट 3 meter टॉल, प्लांट की जो टॉलेस्ट है वो 3 meter की होती है, ठीक है। द मेल कोन आर ओवॉइड एबलोंग एंड द मेगास्पोरोफिल हैज 2 ovules। अब सबसे कम ओव्यूल की मात्रा अगर एक मेगास्पोरोफिल में देखा जाए तो 2 होती है, किसमें, साइमेंसिस में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करेंगे स्पोरोफाइट, तो दोस्तों स्पोरोफाइट जो होता है साइकस इज ए एवरग्रीन स्लो ग्रोइंग पाम लाइक स्मॉल ट्री होता है, जो कि एवर ग्रीन होता है, सदाबहार हमेशा कहा जाता है, यानी हमेशा हरा भरा रहता है ये, ठीक है। इट इज कॉमनली फाउंड इन जीरोफिटिक हैबिटाट, मोस्टली जीरोफिटिक हैबिटाट में ग्रो करता है जहां पर वाटर की मात्रा कम होती है। आगे हो जाएगा, इट आल्सो ग्रोज वेल अंडर कल्टिवेशन इन गार्डन्स। इसका कल्टिवेशन या इसका प्रोपागेशन कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर गार्डन वगैरह में किया जाता है। और स्पोरोफिटिक जो होती है प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, रूट में आ जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर रूट जो होती है 2 प्रकार की होती है साइकस में, 2 types की रूट होती है, दोनों ध्यान दीजिएगा, 2 types रूट होती है। पहला हो जाएगा नॉर्मल रूट, जिसे हम टैप रूट भी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा एपोजियोट्रॉपिक या कोरालाइट रूट बोलेंगे। कोरालाइट रूट एक निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, और जो नॉर्मल रूट होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। नॉर्मल टाइप रूट की पहले हम बात करते हैं, लॉन्ग लीफ ज़्यादा समय तक रहती है, प्राइमरी रूट फॉर्म टाइप रूट, ठीक है, ज़्यादा समय तक रहती है, ब्रांचेज भी, लेटरल ब्रांचेज भी इसमें पाई जाती हैं। अब आपके सामने यहाँ पर साइकस का क्या दिख रहा है, क्राउन ऑफ फोलिएज लीफ साइकस का प्लांट है, ये यहाँ पर मेल कोन है, यानी कि जो आपके सामने दिख रहा है वो मेल प्लांट है। साथ ही साथ उसके बगल में आपको दिखा दें कि ये साइकस की कोरालाइट रूट है, उसके बाद इस साइड में भी आप देख रहे हैं साइकस की कोरालाइट रूट है ये, ठीक है, जो कि हमने अपने गार्डन में जो प्लांट था साइकस का, वहाँ से साइकस की कोरालाइट को निकाल करके आपके सामने दिखा रहे हैं।
जो जहाँ पर प्लांट होगा उसके साइड बाय साइड में जब आप देखेंगे ना, तो ये रूट बाहर निकली हुई होती है। क्यों निकलती है? क्योंकि इसमें निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है ये, और ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए बाहर निकलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी नाश्टाक एनाबीना। मोस्टली एनाबीना आपको किताबों में मिल जाता है, लेकिन नाश्टाक एनाबीना दोनों पाए जाते हैं इसमें। ओके, क्लोराइड रूट आपको हमने दिखा दिया। दीज आर स्पेशलाइज्ड एपोजियोट्रॉपिक रूट्स विच ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉयल, जो कि सरफेस सॉयल के सरफेस के ऊपर ग्रो करती है। अब किताबों में आपको हम दिखा दें क्यों ये बाहर निकलती है कोरलाइड रूट, क्योंकि कोरलाइन मासेस एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर में एनाबीना नाश्टा ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, इनकी कॉलोनीज पाई जाती है। अब ये कोरलाइड रूट क्या काम करती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, वेरी सिंपल। ठीक है, द कोरलाइड रूट पासेस लेंटिसेल्स विच हेल्प इन देयर रेस्पिरेशन। कोरलाइड रूट में लेंटिसेल्स पाई जाती है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एज सिंपल इज दैट। आगे है स्टेम। गाइस स्टेम जो होता है, यंग स्टेम इज ट्यूबरस, जो यंग स्टेम होता है वो ट्यूबरस होता है एंड सबट्रेनियन एंड इट्स एपिकल पार्ट रिमेन कवर्ड विद ब्राउन स्केली लीव्स। जो एपिकल पार्ट होता है, इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें, यानी स्टेम के ऊपरी सरफेस पे कौन सी लीव्स पाई जाती है? स्केली लीव्स पाई जाती है, ब्राउन कलर की होती है, कोई फोटोसिंथेसिस में फंक्शन नहीं करती है, हेल्प नहीं करती है। ठीक है, इट इज कवर्ड विद परसिस्टेंट एंड वुडी लीफ बेस। इसमें लीफ बेस जो होते हैं, यानी कि जहाँ से लीफ टूट जाती है उसको बोलेंगे लीफ बेस। अब वो हमेशा परमानेंट प्रॉपर लगा रहता है और ठोस होता है, वुडी होता है, इसलिए यहाँ पर टर्म यूज कर रहा है कवर्ड विद परसिस्टेंट एंड वुडी लीफ बेस। जो लीफ बेस होता है वो परसिस्टेंट होता है और वुडी नेचर का होता है, ठोस होता है। द स्टेम इज यूजुअली, रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऊपर की जो लेयर होती है दोस्तों उसे एपिब्लेमा बोलते हैं, या एपिडर्मिस आपने स्टेम के रिलेटेड में स्टेम के केस में आपने देखा होगा। उसके बीच की जो लेयर होती है ये यहाँ से दो से तीन लेयर की होती है, जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद ये बीच बीच में जो स्पेशलाइज्ड सेल दिखाई दे रहे हैं इनको टैनिन सेल्स बोलते हैं, टैनिन ऑब्टेंड होता है इससे, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ये जो लेयर दिख रही है कॉर्टेक्स रीजन में ही, इसको एल्गल जोन बोलते हैं, यही है एनाबीना की कॉलोनीज। ओके, उसके बाद ये जो होता है ये वाली लेयर जो दिख रही है इसको एंडोडर्मिस की लेयर बोलते हैं। कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर होती है एंडोडर्मिस बोलते हैं। एंडोडर्मिस की बात जो एक एक से दो लेयर की बनी होती है उसे पेरिसाइकिल की लेयर बोलते हैं। अब पेरिसाइकिल के बाद यहाँ पर पाए जाएंगे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, यानी जाइलम बंडल्स। ये जाइलम बंडल्स हैं और ये फ्लोएम बंडल्स हैं, ये फ्लोएम्स अरेंज हैं, यानी कि जो जाइलम अरेंज है उसमें कुछ छोटी जाइलम की सेल्स होती हैं जिन्हें हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं, जो जाइलम की बड़ी सेल्स होती हैं उन्हें मेटाजाइलम बोलते हैं। उसके बाद जो उसके ऑल अराउंड दिख रही हैं ये सेल्स जो दिखाई दे रही हैं आपके सामने, ये पूरा का पूरा क्या होती हैं, फ्लोएम की सेल्स, एज सिंपल इज दैट। और बीच में सेंट्रल रीजन पर यहाँ पर पिथ पाया जाता है। तो ये हो गया कोरलाइड रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल एग्जाम आपका होता है, एमएससी वाले हैं आप, ठीक है, तो बेहतर यही है कि भाई इसको कैसे भी करके गिरते पड़ते कुछ भी करो इस डायग्राम को तैयार कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में फंसने वाला है। लीव्स, जिस तरीके से रूट दो टाइप की होती है वैसे ही यहाँ लीफ भी दो टाइप की होती है, इसलिए लीफ यहाँ पर बोला जाता है डाइमॉर्फिक होती है। डाइमॉर्फिक मीन्स टू टाइप्स लीव्स आर अकर्स, वन इज फोलिएज और वार एसिमिलेटरी लीव्स एंड अनदर इज स्केली लीव्स। फोलिएज लीव्स एंड स्केली लीव्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केली एंड फोलिएज और एसिमिलेटरी लीव्स? द स्केली लीव्स एंड फोलिएज लीव्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये लीफ जो होती है फोलिएज लीफ और एसिमिलेटरी लीफ जो होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, इसीलिए इसको एसिमिलेटरी लीफ्स बोलते हैं। और दूसरी जो होती है स्केली लीफ, ये कोई फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती है बल्कि प्रोटेक्शन का काम करती है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ईच लीफ हैज 80 to 100 पेयर ऑफ लीफलेट। हर एक लीफ में यहाँ पर 80 से 100 लीफलेट लीफ है,
ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। आइए दिखाते हैं आपको क्या है, कैसे आप समझेंगे इसको। थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालिए, ये यहाँ से यहाँ तक एक पूरा हो गया लीफ। इसमें जो हेयर्स लाइक ये दिखाई दे रहे हैं ना, आपने साइकस का प्लांट देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये आपके सामने दिख रहा है साइकस का प्लांट। ओके, इसमें आप देख लीजिए कि ये जो लीफ दिख रही है ना, जो उसके साइड बाय साइड निकले हुए वो लीफलेट होते हैं, पेयर्स में निकले होते हैं, अपोजिट निकलते हैं, और इनकी संख्या कितनी होगी, 80 से 100 होती है। यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्केली लीव्स की बात करें तो स्केली लीव्स आर स्मॉल, छोटी होती है, रफ होती है, ड्राई एंड ट्राइंगुलर होती है, मुड़ी हुई होती है, दे आर थिकली कवर्ड विद रेमेंटा, रेमेंटा से कवर्ड होती है, दे आर इनकेपेबल ऑफ कार्बन एसिमिलेशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन नहीं करती है, जाहिर सी बात है। द स्केली लीव्स आल्सो हैव परसिस्टेंट लीफ बेस विच फॉर्म, ये स्केली लीव्स भी जो होती है वो परसिस्टेंट होती है। ये देखिए जब आप टीएस कट करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब एक स्ट्रक्चर आपको मैं और दिखा दे रहा हूँ कैसे दिखता है, ठीक है, जिसका हमने प्रैक्टिकल कराया है, प्रैक्टिकली कैसे दिखाई देता है उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए ये रहा, अब आप दोनों स्ट्रक्चर को मिला सकते हैं। इसको उन्होंने काट करके बकायदा इसका तैयार किया है, तो उस माइक्रोस्कोप से फोटोज लिया गया है, ये फोटो माइक्रोस्कोप से लिया गया। आप देख सकते हैं जैसा एक आपको यहाँ पर लेयर्स दिख रही हैं। अब ये देखिए बुक का है, बुक से लिया गया है, देख सकते हैं सभी लेयर्स, आउटर क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पैलिसेड सेल्स, ये पूरा पैलिसेड सेल्स हैं। उसके बाद यहाँ की जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं इसको ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज बोल रहे हैं। अब जो प्रैक्टिकल किया गया उसको देख लीजिए, ये देखिए ट्रांसफ्यूजन सेल्स, यहाँ पैलिसेड सेल्स होती है, हाइपोडर्मिस की लेयर हो गई, ऊपर पतली सी क्यूटिकल लेयर दिख रही है, फिर उसके बाद की जो लेयर है एपिडर्मिस लेयर है। तो आप कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद ये सेंट्रल रीजन में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, जब पाए जाते हैं तो ये सेंट्रल रीजन आप देख लीजिए, एक एक सेल आपको एग्जैक्ट में आप दिखा रहा हूँ। हमारे छात्रों ने क्या है, बड़ी मेहनत से सेक्शन काटा है उन्होंने। अगर आपने भी, आप कहाँ से हैं, कौन से विद्यालय से हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है साइकस का, तो कमेंट करके जरूर बताना क्या देखा है एग्जैक्ट अपनी आंखों से। अगर नहीं देखा है तो भी कमेंट करिए, और देखा है तो भी कमेंट करिए, ये तो पता चले कि आपकी कौन से विद्यालय से हैं जहां पर प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये जानकारी तो होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर सोराई के रूप में लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है सोराई का, इसके बारे में आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। दोस्तों रिप्रोडक्शन की क्या बात करें, यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ एडवेंटिटियस बर्ड्स आर ऑल बल्बिल्स, जिस बल्बिल्स के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है उस बल्बिल्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एडवेंटिटियस बर्ड के द्वारा होता है, तमाम प्रकार के बर्ड भी निकलते हैं, या फिर बल्बिल्स के द्वारा होता है, बहुत अच्छी बात है। दे डेवलप इन द बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स इन द क्रेविसेस बिटवीन परसिस्टेंट लीफ बेस, इनका फॉर्मेशन परसिस्टेंट लीफ बेस पर होता है। द डेकोरेट्स डीकरेंट्स बेस ऑफ द बल्बिल्स इज कवर्ड विद स्केली लीव्स, यानी जो इसका जो कहने का मतलब है कि जो बल्बिल्स होते हैं उसमें भी स्केली लीव्स पाई जाती है बेसिस पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, वेरी सिंपल, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ बनते हैं और कब बनते हैं, सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है, क्योंकि साइकस एक हेट्रोथैलिक प्लांट्स है, यानी कि डायोशियस प्लांट है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बॉर्न अदर प्लांट्स, अदर मीन्स सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग प्लांट पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे बॉर्न करते हैं, मेल प्लांट पे मेल सेक्स ऑर्गन
और फीमेल प्लांट पर फीमेल सेक्स ऑर्गन बॉर्न करता है। अब जो मेल है, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा होता है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर अभी आपको हमने बताया, आगे भी बताने वाले हैं। माइक्रोस्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। और मेगास्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करके मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही क्या बनाता है? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। एज सिंपल इज दैट, ठीक है। अब उसी तरीके से मेगास्पोर के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर के द्वारा मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। कितनी अच्छी बात है। इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया एज सिंपल इज दैट रिस्पेक्टिवली मेगास्पोर्स फॉर्म इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोर फॉर्म इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। एज सिंपल इज दैट स्पीसीज ऑफ साइकस आर स्ट्रिक्टली डायोशियस एंड आइदर मेल कॉन्स और मेगास्पोरोफिल्स। अब यहाँ साइकस के केस में जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन है वो मेल कोन के अंदर बनता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट जो लीफ होती हैं माइक्रोस्पोरोफिल एग्रीगेट होकर के कोन का फॉर्मेशन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जो मेगास्पोरोफिल है वो कोन का फॉर्मेशन साइकस के केस में नहीं करती है। यही एक ऐसा जीनस है जिसमें कोन, फीमेल कोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, अन्य सभी में कोन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं मेल स्टोबिलाई या मेल कोन। तो मेल कोन आपके सामने दिख रहा है, स्मॉलेस्ट ये देखिए माइक्रोस्पोरोफिल हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं और मेल स्टोबिलाई या स्टोबिलस का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम कोन का टर्म देते हैं। डेवलप एट द अपेक्स ऑफ द स्टेम इन द बिटवीन क्राउन ऑफ फोलियज लीव्स। जो क्राउन ग्रुप ऑफ फोलियज लीव का फॉर्मेशन होता है उन सभी लीव्स के बीच पे एकदम अपेक्स पोर्शन पे इस कोन का फॉर्मेशन होता है। जब एलएस कट करेंगे तो दिखाई देगा एलएस और माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में वेरियस माइक्रोस्पोरेंजियम, जितने में माइक्रोस्पोरोफिल होंगे उतने माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा और उतने ही ढेर सारे हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। समझ गए? तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप कौन से कॉलेज से, कौन से विद्यालय से जहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होता है और कहाँ पर प्रैक्टिकल होता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। द अपर एबॉक्सियल सरफेस ऑफ द फर्टाइल पार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल इज स्टेराइल। आगे क्या आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मॉडल पेपर्स हैं और पुराने पेपर्स हैं या अनसॉल्व कह सकते हो, सभी पेपर्स फटाफट करके आपके सामने एक के बाद एक इतना जल्दी आएगा। आपके एग्जाम से पहले सारे वीडियोज अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपको मॉडल पेपर देखना है किसी भी पेपर का, चाहे एमएससी के हो चाहे बीएससी के हो, सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो कहीं मत जाना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे साथ पूरा प्रॉपर आपको बने रहना है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मोस्टली सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और अवध यूनिवर्सिटी, इसके जितने भी मॉडल पेपर्स हैं वो सब मैं आपके सामने ले करके आने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कहीं मत जाना, देर मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपका आगे बढ़ जाए। बात करेंगे यहाँ पर द अपर एबॉक्सियल सरफेस ऑफ द फर्टाइल पार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल इज स्टेराइल, व्हाइल ऑन द लोअर एडॉक्सियल सरफेस देयर आर 700 to 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज इन डिफिनिट ग्रुप्स नोन एज सोराई। कह रहा है कि जो ऊपर वाला भाग होता है स्टेराइल होता है, लेकिन जो नीचे वाला इसका भाग होता है वो कैसा होता है? फर्टाइल होता है, जिसमें लगभग 700 to 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है और उस माइक्रोस्पोरेंजिया में वेरियस सोराई का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोरोफिल के बैक साइड में क्या दिख रहा है आपको? एडॉक्सियल सरफेस पे सोराई दिख रहे हैं। इस सोराई का स्ट्रक्चर जूम करके देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, चार चार के ग्रुप में पाइपिला होता है, सेंट्रल पाइपिला जिसे बोलते हैं, और जो लाइन बनी होती है जहां से इस डेहेसेंस होगा, माइक्रोस्पोर का डेहेसेंस होगा। माइक्रोस्पोर बाहर नहीं है, माइक्रोस्पोर इस सोराई के अंदर पाए जा रहे हैं, यहां से डेहेसेंस होगा, इसलिए इसको डेहेसेंस लाइन बोला जा रहा है और सारे माइक्रोस्पोर आ जाएंगे बाहर। इसमें नेक्स्ट हेयर्स भी होते हैं, दैट इज हेयर। जब इसी माइक्रोस्पोरोफिल का
एल टी एस कट करते हैं तो स्पोरंजिया कहाँ लगे होते हैं, माइक्रोस्पोरंजिया, इस तरीके से दिखा देंगे हम माइक्रोस्पोरंजिया में माइक्रोस्पोर होंगे, माइक्रोस्पोर या वाल्स टैपटम तमाम प्रकार की जो इसमें दिखाई देंगे। फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें क्योंकि यहाँ पर कोन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होता होगा, सीधा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द फीमेल द मेगा स्पोरोफिल ऑफ साइकस आर नॉट ऑर्गेनाइज इन टू कोन, पहली लाइन में इसने बोल दिया। अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम थ्योरेटिकल होगा, तो जितने भी अंडरलाइन हमने किए हैं येलो कलर से वही केवल उतनी ही लाइन आपको पढ़ना है, उतनी ही लाइन आपको लिखना है, उतने में ही आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो भाई यहाँ पर कौन का फॉर्मेशन, फीमेल कौन का फॉर्मेशन नहीं होता तो फिर होता क्या है, फीमेल प्लांट न्यू मेगा स्पोरोफिल्स आर प्रोड्यूस एवरी ईयर लाइक ए फोलिएज लीफ, जैसे फोलिएज लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है उसी तरीके से मेगा स्पोरोफिल पाई जाती है टॉप पोर्शन पे। ठीक है, द मेगा स्पोरोफिल्स आर कंसीडर्ड टू बी मॉडिफाइड लीफ, मेगा स्पोरोफिल जो होती है वो मॉडिफाइड लीफ ही कही जाती है, दे आर फ्लैट चपटी होती है एंड डार्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर्स मेजर्स 15-30 सेंटीमीटर इन लेंथ, 15-30 सेंटीमीटर की लॉन्ग होती है, दोनों सरफेस पाए जाते हैं डार्सल भी और वेंट्रल भी पाए जाते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स वेरीज फ्रॉम 2-10 डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, स्पीसीज डिपेंडिंग के आधार पे जो ओव्यूल की मात्रा है मेगा स्पोरोफिल में वो दो, मिनिमम 2 हो सकती है और मैक्सिमम 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। अभी इसके पहले हमने सारे स्पीसीज बता दिए किसमें कितने ओव्यूल लगे होते हैं, जो साइकस साइमेंसिस होते हैं उसमें 2 होते हैं, हमने आपको बताया, सर्सिनेलिस में 12 होते हैं, हमने आपको बताया इसके पहले, नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके जाइए और थोड़ा सा इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। अगर आप पहले अभी जुड़ रहे हैं, आधे से देख रहे हैं, कोई भी नॉलेज आधा जुड़ा अगर आप ले रहे हैं तो आपके काम नहीं आने वाला, जब तक पूरा डिटेल में आप नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं आप लोग, स्किप करने से आपका फायदा नहीं होने वाला, जब तक पूरा डिटेल्स आपको जानकारी नहीं मिलती है नहीं पाएगा। द मेगा स्पोरोफिल ऑफ साइकस रेवोल्यूटा इज 10-25 सेंटीमीटर इन लेंथ, अब रेगुलूटा की जो मेगा स्पोरोफिल होती है वो लगभग कितनी होती है 10-25 सेंटीमीटर लॉन्ग। देयर आर 2-4 ओव्यूल्स, आगे बात करते हैं गाइस गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, अब बात करेंगे गैमेटोफाइट। तो साइकस इज हेटरोस्पोरस, दैट मीन्स 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म, वन इज माइक्रोस्पोर एंड अनदर इज मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स एंड फॉर्म मेल गैमेटोफाइट एंड मेगा स्पोर जर्मिनेट अंडरगोज जर्मिनेट एंड फॉर फीमेल गैमेटोफाइट, एज सिंपल इज दैट, यहाँ पे देखिएगा मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट विद इन द स्पोरेंजियम बिफोर डेसिमिनेशन, दस द मेल गैमेटोफाइट डेवलप पार्शियली इनसाइड द स्पोरेंजियम बिफोर द पोलिनेशन एंड पार्शियली विद इन द पोलन चैम्बर ऑफ द ओव्यूल आफ्टर पोलिनेशन। अगर हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें, होता है जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है, और माइक्रोस्पोर कहाँ जर्मिनेट करता है भाई, माइक्रोस्पोर कहाँ जर्मिनेट करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही जर्मिनेट कर जाता है। माइक्रोस्पोर को जर्मिनेट करने के लिए किसी सोयल की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये सारी प्रोसेस तो टेडोफाइट्स में होते हैं, जिम्नोस्पोर में होता नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही ये जर्मिनेट कर जाएगा और वहीं पर बना देगा मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट में बनेगा मेल गैमेट जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन करेगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम पोलिनेशन, क्योंकि मेल गैमेट बन जा रहा है तो पोलिनेशन की प्रोसेस तो होना अनिवार्य है, कैसे होता है ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है 3 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज एंड 5 सेल स्टेज तक होती है जिम्नोस्पर्म के केस में, 3 सेल स्टेज साइकस में होती है, 4 सेल स्टेज पाइनस में होती है, और 5 सेल स्टेज जो होती है वो इफेड्रा में होती है। ये तीनों जेनस इतने इंपॉर्टेंट है, आपको एमएससी तक मिलेंगे, एमएससी बीएससी किसी भी चीज़ की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बॉटनी से, तो अगर जिम्नोस्पर्म है तो भाई इसमें ये तीनों अवश्य रहेंगे 100% रहेंगे। तो 3 सेल स्टेज की होती है माइक्रोस्पोर यहाँ पर, ठीक है।
आगे बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर व्हिच इज डीपली सिचुएटेड इन द ओव्यूल। डीपली सिचुएटेड इन द ओव्यूल द न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर डिवाइड बाई थ्री न्यूक्लियर डिवीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो कहाँ किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है? मेगास्पोर के द्वारा। अब मेगास्पोर कहाँ जर्मिनेशन करता है? ध्यान दीजिएगा, सिचुएटेड इन द ओव्यूल द न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर डिवाइड एंड फ्रीली न्यूक्लियर डिवीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सिमल्टेनियसली द मेगास्पोर आल्सो इंक्रीज इन साइज ए वैक्यूल डेवलप इन द सेंटर ऑफ द मेगास्पोर। द मेच्योर आर्चिकोनियम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पर मेगास्पोर के अंदर ही आर्चिकोनियम का फॉर्मेशन होगा और उसी आर्चिकोनियम में इसका फॉर्मेशन होगा। द मेच्योर आर्चिकोनियम कंसिस्ट ऑफ 2 to 4 नेक सेल, 2 से 4 नेक सेल बनाती है एंड एक सेल बनाती है। द बेंटर इज सराउंडेड बाई ए न्यूक्लियेटिक जैकेट ऑफ द सेल फॉर्म बाई द गैमेटोफाइट सेल। दिस जैकेट इज कॉल्ड आर्चिकोनियल जैकेट सेल। ओके, द नंबर ऑफ आर्चिकोनिया इन ए एन ओव्यूल वेरीज। आर्चिकोनिया की मात्रा भी यहाँ पर अलग अलग होती है। जैसे देखिएगा यहाँ पे 3 से 6 इन रम्फाई, इस रम्फाई में आर्चिकोनिया की मात्रा 3 से 6 होती है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और 2 से 8 की मात्रा होती है सर्सिनेलिस में, 2 से 8 की मात्रा होती है रेबुलुटा में। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है ये। आर्चिकोनियम में एक फॉर्मेशन हो जाएगा आफ्टर देयर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आ जाएगी। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, द पोलन ट्यूब रीचेज द आर्चिकोनियल चैम्बर बाई ब्रेकिंग द न्यूसिलर पैसेस एज इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज बर्स्ट एंड रिलीज इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग द मेल गैमेट इन टू द आर्चिकोनियल चैम्बर। आफ्टर रिलीजिंग द कंटेंट द पोलन ट्यूब बिकम फ्लैसिड एज सून एज द मेल गैमेट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द नेक सेल्स ऑफ द आर्चिकोनियल। अब जब मेल गैमेट जो होता है वो जैसे आर्चिकोनियम के अंदर आ जाएगा नेक सेल के थ्रू, तो क्या होगा? फ्यूजन कर जाएगा और फ्यूजन के बाद जैगेट बन जाएगा, सिंपल सी। और जैगेट क्या करता है? बेल डेवलप करके सीधा क्या करता है? यंग स्पोरोफाइट बनाता है। यंग स्पोरोफाइट बनने के लिए क्या करना है? देखिएगा यहाँ पे द सीड जर्मिनेट्स विदाउट एनी रेस्ट पीरियड। सीड डायरेक्ट क्या करता है? जर्मिनेशन में आ जाता है, किसी रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता है। इट रिमेन वाइबल ओनली फॉर फ्यू मंथ, कुछ महीने के बाद ही ये सीधा अपना फंक्शन करना शुरू कर देता है। इट जर्मिनेशन द जर्मिनेशन इज हाइपोजियल। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है? एंड कॉटिलीडन्स डू नॉट कम आउट ऑफ द सीड एंड द सोयल। कॉटिलीडन सोयल से बाहर नहीं आता है, सीड से बाहर नहीं आता है, ऐसे को हाइपोजियल क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द माइक्रोफाइल द सीड कोट रप्चर्ड। जर्मिनेशन के टाइम पर माइक्रोफाइल के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है सीड और सीधा क्या करता है? रप्चर हो जाता है, फाइनली जर्मिनेशन कर जाता है। इस तरीके से सीड आपके सामने दिख रहा है। ओके, रेडिकल्स है, रूट बनेगी, प्लूमिल से सूट बनेगा और फाइनली यंग लीफ ऐसे निकलने लगेगी और स्टेम का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइनली नया जो प्लांट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल इज दैट। और साथ साथ वीडियो के किसी भी प्रकार के अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिकल के कोई कंटेंट चाहिए, आप किसी भी सेमेस्टर से हैं, BA BSc MSc किसी भी सेमेस्टर से हैं, तो ये आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है, इसको तुरंत फटाफट सर्च करिए और ज्वाइन करिए, सारे नोटिफिकेशन यहीं पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।